बस क्या आपको पता है कि ब्लड प्रूफ जैकेट कैसे काम करती है? जी हाँ गाइस, सबसे पहले तो वह जैकेट के अंदर जाती है और उसके अंदर जाने के बाद वह चार लेयर होते हैं। फर्स्ट लेयर सेरेमिक लेयर, जिसे टकराने के बाद ब्लड की स्पीड कम हो जाती है, और उससे निकलने के बाद सेकंड लेयर आता है आर्मर्ड लेयर, जिससे टकराने के बाद जो काफ़ी मजबूत और टाइटली रहती है, और उससे टकराने के बाद वह जो है उसे पीछे की तरफ धकेलती है। फिर जब बात आती है तीसरी लेयर की, तो जिसका नाम है वर्टेक्स लेयर, जिससे टकराने के बाद वह काफ़ी मजबूत रहती है और वह आर्मर्ड से भी ज़्यादा मजबूत रहती है। और फिर बात आती है लास्ट पॉलीथीन लेयर की, तो जो कि वह पिघलाने के बाद उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है।